हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स क्रूजी पर। और आज की वीडियो हम करने वाले हैं जो हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट किया था लेटेस्ट एडिशन का चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अगर आप में से अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर डाल दूंगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक मैं जो बैच लॉन्च करने वाला था 5 तारीख से, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस 16 अगस्त से वो बैच स्टार्ट हो रहा है। अकाउंट्स का बैच है जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी, अकाउंट्स की पूरा कोर्स होगा आपका, नोट्स स्टडी मटेरियल सारी चीज़, जिसका वन टाइम फीस है 1100 रुपये। व्हाट्सएप नंबर हाईलाइट होगा, आप वहाँ पर जाके मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टू डिस्टिंक्ट फेसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरी क्रांति हुई थी उसके दो अलग अलग भाग हैं। क्या? पहला फेज मिड 60 और मिड 70s। ड्यूरिंग द फेज स्कोप ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू व्हीट एंड राइस ग्रोइंग रीजन ऑफ द कंट्री। जो ग्रीन रेवोल्यूशन का स्कोप था वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ व्हीट और राइस के लिए ही था। दीज इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वो सिर्फ इन्हीं क्रॉप्स के लिए हुआ था और इन्हीं स्टेट में हुआ था। दिस इज बिकॉज द HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स रिक्वायर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इन एडिशन टू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड इन करेक्ट प्रपोर्शन। इन द फर्स्ट फेज Only the farmers who had financial resources to purchase the input were able to reap the benefit and therefore the revolution was restricted to affluent area of the country. पहले फेज में कुछ ही फार्मर्स की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो सही थी और वो HYV सीड्स खरीद पाए, जिसकी वजह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन रहा वो लिमिटेड रहा। सेकेंड फेज आपसे कहा जा रहा है 70 से 80। अब इसमें क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस फेज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बिकेम वाइड स्प्रेड। 70 से 80 के बीच में जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था वो फैलता चला गया। फैलना तो आप समझ सकते हैं, आप भी रायता फैलाते रहते हैं एक दूसरे की लाइफ में। कवरिंग मोस्ट एरिया ऑफ द कंट्री एंड लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का एरिया कवर किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को भी कवर किया गया। During second phase, the government provided loan to the small farmer at a very low interest rate and subsidized fertilizer and pesticide. जो second phase था, government ने वहाँ क्या किया गया, loan provide किया गया, small farmers को loan provide किया गया low interest rate से, और fertilizers और pesticides वगैरह भी provide करे गए, making the modern input accessible to the small farmers, ताकि जो modern तकनीक है जो छोटे मोटे farmers हैं उनको वो available करा सके। As a result, green revolution covered the small landholder as well. इसकी वजह से क्या हुआ कि जो green revolution था जो छोटे level के farmers थे वो भी उसका फ़ायदा उठाने लगे। Thus, it was owing to intervention by the government that the benefit of green revolution accrued to the small farmers as वेल। यानी कि गवर्नमेंट के इस वजह से, गवर्नमेंट के इंटरफेयर करने की वजह से जो बेनिफिट था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो स्मॉल फार्मर्स तक भी पहुंच सका। क्या क्या गेन थे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन का? सबसे पहला है स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल जंप इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, एक उछाल देखने को मिला हमें क्रॉप में, प्रोडक्शन में। इलस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे देखो दे रखा है, प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट वॉज एस्टिमेटेड इन 3421 kg पर हेक्टेयर इन 2019-20 कंपेयर टू ओनली 660 kg हेक्टेयर 1951। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोडक्टिविटी में कितना बदलाव है। इट वॉज 2705 kg पर हेक्टेयर, अब यहाँ पे राइस का दे रखा है, कंपेयर किया गया है। स्पर्ट इन प्रोडक्टिविटी हैज़ लीड टू अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब जो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है इसकी वजह से जो इंडियन एग्रीकल्चर था उसका भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। दिस हैज़ मार्क्ड द एंड ऑफ लॉन्ग पीरियड स्टैग्नेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में एक स्टैग्नेशन लगा हुआ था, ठहराव लगा हुआ था, रुका हुआ था, उसको बढ़ावा दिया गया। सेकेंड है सब्सटेंशियल राइज इन एकरी। एकरीज का मतलब है एरिया अंडर कल्टिवेशन, जहाँ पर सिंचाई वगैरह, जहाँ पर खेती बाड़ी होती है।
HYV टेक्नोलॉजी है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। जो HYV तकनीक थी, जो हम टाइम लेते थे फसल को बोने में और उगने में जो टाइम लगता था, ये काफ़ी जो डिफरेंस रहता था उस समय को कम किया गया। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ एलिमिनेटेड द नीड फॉर फॉलोइंग अकॉर्डिंगली डबल क्रॉपिंग हैज़ बिकम पॉसिबल। दिस हैड लीड टू अ सब्सटेंशियल राइज इन ग्रोज एरिया अंडर कल्टिवेशन। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज था उससे थोड़ा कम किया गया, डबल क्रॉपिंग कही गई वो पॉसिबल हो, उसकी वजह से हमारा सब्सटेंशियल राइज देखने को मिला। इन 1950-51 ग्रॉस एरिया अंडर कल्टिवेशन वॉज 13 करोड़ हेक्टेयर विच नाउ हैज शॉट अप टू 20 करोड़ हेक्टेयर। ये डाटा आपको कुछ याद करने वाले हैं। सर याद तो करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, समझ सकता हूँ, बच्चे पढ़ने वाले हैं हमारे। शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। पहले लोग उतना ही बनाते थे जितना खा सकें, अब वो इतना बना रहे थे कि जो बच जाए उसको हम बेच सकें। आ सब्सटेंशियल राइज इन आउटपुट, यानी कि प्रोडक्शन में जो इंक्रीज हुआ है, हैज स्टार्टेड जनरेटिंग मार्केटेबल सरप्लस। अब वो जो फसल उगा रहे थे उससे ज़्यादा आ रहा था जितना वो अपने लिए यूज़ कर रहे थे, और कुछ बचता था जिसको वो बेचेंगे, मार्केट सरप्लस यानी इसको बेचेंगे। दिस हैज़ प्रॉम्प्ट द फार्मर टू ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंशियल फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। अब वो क्या हुआ, सब्सटेंशियल फार्मिंग से कॉमर्शियल फार्मिंग पे आ गए। दिस इज़ अ साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और एक साइन था हमारी कंट्री के ग्रोथ का और डेवलपमेंट का। चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, फार्मर्स के आउटलुक में क्या चेंज को मिला। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ कॉज्ड अ चेंज इन आउटलुक ऑफ द फार्मर। जो फार्मर्स का आउटलुक था उसमें भी बदलाव आया कॉमर्शलाइजेशन की वजह से। फार्मिंग इज नो लॉन्गर व्यू एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कॉमर्शियल वेंचर एज वेल। अब फार्मर को सिर्फ सब्सिस्टेंस के नज़रिए से नहीं देखा जा रहा था, अब उसे कॉमर्शियल यानी कि उससे हम अर्निंग भी करें ऐसे देखा जा रहा था। सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, बफर स्टॉक, इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन एरिया ऑफ कल्टिवेशन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लीड टू सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। सेल्फ सफिशियंसी का मतलब है जो सामान आपको चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है, किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है। स्पर्ट इन प्रोडक्शन लीड टू अ फॉल इन मार्केट प्राइस ऑफ फूड ग्रेन, अकॉर्डिंगली इवन पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कुड कम्फर्टेबल फुलफिल देयर सब्सिस्टेंस नीड। स्पर्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ कि जो फूड ग्रेन की मार्केट प्राइस थी वो कम हो गई। अब इससे क्या हो रहा था, जो गरीब लोग हैं वो भी उस चीज़ को खरीद पा रहे थे। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज सो सब्सटेंशियल डैट इट अनेबल द गवर्नमेंट टू कीप बफर स्टॉक, दी स्टॉक आर यूज टू मीट डिमांड ड्यूरिंग लीन सेशन ऑफ फार्मर्स सप्लाई। तो ये तो आपका दे रखा है। अब आपके लिए एक वर्ड आया होगा बफर स्टॉक। सर क्या है बफर स्टॉक, एक तरीके का स्टॉक है जो गवर्नमेंट अपने पास रखती है, जो इमरजेंसी के टाइम में यूज़ करती है। जैसे आपने देखा होगा भूकंप के समय या कोविड जब आया था तब सरकार ने बांटा था। अब क्या हमें गेन हुआ, गेन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट, यानी कि कुछ लिमिटेशंस आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला लिमिटेड क्रॉप्स, रिवॉल्यूशनरी राइज इन आउटपुट ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कन्फाइंड मेनली टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन व्हीट एंड राइस। देयर हैज़ बीन नो सिमिलर राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस कॉमर्शियल क्रॉप लाइक जूट एंड कॉटन टी। भाई राइज तो हुआ, प्रोडक्शन भी बढ़ा, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ वीट एंड राइस का बढ़ा। जिस तरीके से वीट एंड राइस का प्रोडक्शन बढ़ा उतना हमें ना ही पल्सेस का बढ़ते हुए दिखा, ना ही किसी अदर कॉमर्शियल क्रॉप जैसे कि जूट कॉटन टी एसेट्रा। सेकेंड लिमिटेशन, अनइवन स्प्रेड, स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल रीजन। जो भी इलाके हैं हमारे इंडिया में हर जगह उसमें प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिला। जैसे स्टेट है पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, यहाँ पर तो एक रिमार्केबल इम्पैक्ट मिला, लेकिन जो ईस्टर्न है यूपी बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा, यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, द बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल हैं और मार्जिनल हैं। द गेन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एल्यूडेड दिस फार्मर, अब इनको ये ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि HYV टेक्नोलॉजी की जो सीड होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, उसमें जो इनपुट होता है वो महंगा आता है, तो वो मार्जिनल फार्मर्स की
रीच से बाहर है। जैसे आप किसी को फोन करते हैं ना, अभी उपभोक्ता किसी दूसरी कॉल पर व्यस्त हैं, सो ये बेचारे सोच लेते हैं कि उन्होंने धोखा दे दिया। हाउ एवर रिच फार्मिंग पॉपुलेशन थ्रो स्मॉल इन नंबर, जो रिच फार्मिंग पॉपुलेशन है वो है तो सही लेकिन नंबर में वो बहुत ही कम है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिच फार्मर हैं। हैपेंस टू ओन द बल्क ऑफ फार्मिंग एरिया इंडिया विच इज़ वाई द रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर फाउंड टू बी इम्प्रेसिव इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल राइज इन आउटपुट। फिर है फोर्थ इकोनॉमिक डिवाइड। डिस्पाइट एड बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ सब्सिडाइज इनपुट एच वाई वी टेक्नोलॉजी रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ मोस्ट मार्जिनल फार्मर्स। गवर्नमेंट ने निरे प्रयास कर लिए उसके पैसे को कम करने के लिए, लेकिन तब भी जो एच वाई वी टेक्नोलॉजी थी वो मार्जिनल होल्डर्स के रीच से बाहर थी। कॉन्सिक्वेंटली द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर टेंडेंट टू स्वेल ओवर टाइम। यहाँ से एक दो डिवाइडेशन हो गए, एक रिच फार्मर्स और एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ब्रीफली गेन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर फाउंड टू बी इन सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशियंट। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था हुआ तो था लेकिन सफिशियंट नहीं था। ग्रीन रेवोल्यूशन फेल टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन रूरल इंडिया। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, जो रिचर सेक्शन के बीच में और रूरल सेक्शन के बीच में जो गैप था उसको फिल नहीं कर पाया। इंडीड एच वाई वी टेक्नोलॉजी वाइल इट स्केल्ड अप इनकम ऑफ द रिच फार्मर इट फेल टू एड्रेस इशू ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर फॉर होम एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी रिमेन अ फार क्राई होम टू देयर पॉवर्टी। तो इससे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे इक्विटी नहीं हो पाई। एग्रीकल्चर सब्सिडाइज वर्च्यू और वाइस। भाई जो एग्रीकल्चर पे सब्सिडी होती है वो सही है या नहीं वो हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन इसके आगे की वीडियो में। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई डाउट क्रिएट नहीं हो, हर चीज़ काफ़ी अच्छे समझ आए। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा। अब तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।